हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है फोटो इनिबीटर्स एंड फोटोसेंसीटाइजेशन तो सबसे पहले जान लेते हैं फोटो इनिबीटर्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं द सब्सटेंसेस विच डिक्रीजेस क्वांटम यील्ड और विच कैन रिड्यूस द क्वांटम यील्ड ऑफ एन फोटोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड फोटो इनिविटर्स सिंपली फोटो इनिबीटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्वांटम यील्ड को डिक्रीज कर दें यानी रिड्यूस कर दें क्वांटम यील्ड किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन की ठीक है तो उन्हें क्या बोलते हैं फोटो इनिबीटर्स बोलते हैं फोटो इनिबीटर का एग्जाम्पल लिख देते हैं अगर ट्रेस अमाउंट भी प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन की फोटोसिंथेसिस ऑफ एचसीएल में तो वो डिक्रीज कर देगी क्वांटम क्वान्टमिल की और एक्ट करेगी एक फोटो इनिबीटर की तरह है. तो यही लिखा हुआ है द ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फोटोसिथेसिस फोटो सिंथेस ऑफ एचसीएल डिक्रीजिस द क्वांटम क्वांटमिल एन एक्ट एज एन फोटो इनिबीटर्स ये कैसे फोटो इनिबीटर की तरह एक्ट करता है ये नीचे दिखाया हुआ है ये देख लीजिए एक बार इट कम्बाइन विद इट कम्बाइंस विद एक्टिव स्पीसीज एंड लीड्स टू चेन टर्मिनेशन बाय फॉलोइंग रिएक्शन ये कम्बाइन कर जाती है एक्टिव स्पीसीज के साथ और चेन टर्मिनेशन की तरफ लीड करती है मतलब चेन को टर्मिनेट कर देती है तो देखो मान लो हाइड्रोजन था वो और ओ टू की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा एच ओ टू कोई भी एक्टिव मोलिक्यूल नहीं है ना चेन टर्मिनेट हो गई यानी चेन फर्दर प्रोपोगेट नहीं कर सकी अगर कोई हमारे पास एक्टिव मॉलिक्यूल होता है अनर्जाइज मॉलिक्यूल होता है तभी तो चेन प्रोपोगेट होती है ना तो चेन एक्टिव मिला ही नहीं ये कंबाइन हो क्या बन जाता है मॉलिक्यूल बन जाता है कोई अब क्या होगा देखो एक और रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन के साथ ओ टू है रिएक्ट करता है प्लस एच सी एल के साथ क्या बना लेता है एच ओ टू बना लेता है प्लस सी एल टू इसमें भी कोई भी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल नहीं मिला तो चेन टर्मिनेट हो गई हैंड्स ओ टू एक्ट एज एन चेन टर्मिनेटर एंड देर फॉर रिड्यूसिंग द क्वांटम यील्ड तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्ट कर रहा है किसकी तरह चेन टर्मिनेटर की तरह एक्ट कर रहा है यानी चेन को प्रोपोगेट होने से रोक रहा है चेन टर्मिनेट कर दी इसने तो ये क्या करेगा रिड्यूस कर देगा क्वांटम यील्ड को इस टॉपिक में तो इतना ही है अब हम देख लेते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है ठीक है फोटो सेंसिटाइजेशन में क्या होता है देखो द सब्सटेंसिस विच मैन एडिट टू ए रिएक्शन मिक्सचर है फोटोकेमिकल रिएक्शन बट इट सेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज इज कॉल्ड ए फोटो सेंसिटाइजेशन

रिएक्शन को स्टार्ट होने में हेल्प करें लेकिन वो खुद कोई भी मतलब खुद में कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा उन सब्सटेंसेस में वो रिएक्शन को स्टार्ट होने में हेल्प करेंगे लेकिन खुद वैसे के वैसे रहेंगे तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है फोटो वर्ड photo इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने में हेल्प करते हैं ठीक है और जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा फोटोसेंसिटाइजेशन तो ये जो सब्सटेंस है ना सिंपली ियर ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है ठीक है अब फोटोसेंसिटाइजेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी वेपर हाइड्रोजन का डिसोसिएशन मरकरी वेपर में देखो हाइड्रोजन मोलिक्यूल डू नॉट डिसोसिएट्स वेन एक्सपोज टू एल्ट्रा लाइट ऑफ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सेवन एंगस्ट्रॉ एक्सपोज अमिटेड बाई एच जी वेपर लैम्प सो हाइड्रोजन गैस इज मिक्सड विद एच जी वेपर एंड देन देसपोज टू एल्ट्रा लाइट एंड देन हाइड्रोजन मोलिक्यूल डिसोसिएट्स टू गिव हाइड्रोजन atom through द फॉलोइंग रिएक्शन ये क्या कह रहा है जो हाइड्रोजन मोलिकूल है ना जब अल्ट्रावाइलेट लाइट में एक्सपोज किया जाएगा तो वो डिसोशिएट नहीं होता है वो नहीं टूटता लेकिन जब ये हाइड्रोजन मोलिक्यूल किसके साथ जो मरकरी वेपर लैम्प है ना उसके साथ मिक्स किया जाता है ना तो और फिर अल्ट्रावाट लाइट पर एक्सपोज किया जाता है ये हाइड्रोजन मोलिक्यूल डिसोशिएट कर जाता है हाइड्रोजन आइटम देने के लिए जैसे कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं एच जी प्लस एच न्यू गिव एच जी स्टार जो मरकरी है ना वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को एक्साइट हो जाएगा एच जी स्टार में और फिर अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा एच टू को ट्रांसफर कर देगा तो अब ये जो एच जी स्टार है ना ये कैरियर ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करेगा और अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा एच टू को और हेल्प करेगा रिएक्शन को अगर करने में ठीक है तो एच जी स्टार प्लस एच टू क्या देगा टू एच देगा प्लस एच जी यहाँ पे हमने देखा कि क्या हो गया एच टू मोलिक्यूल डिसोशिएट हो गया एच एटम में ठीक है हाइड्रोजन एटम में तो हेयर मर्करी एक्ट एज एन फोटो सेंसिटाइजर यहाँ पे मरकरी एक्ट करा फोटो सेंसिटाइजर की तरह क्योंकि एच जी वापस खुद एच जी की फॉर्म ही था एच जी तो एच एक बार एक्साइट हुआ और फिर वापस अपनी खुद की फॉर्म में आ गया यानी कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ एच जी में ठीक है तो इस टॉपिक में इतना ही है अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं